नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सोनी वंदनास किचन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने रात के बचे हुए चावल से फ्राइड राइस बनाऊंगी, जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए क्या क्या सामान यूज़ किया है। सबसे पहले तो ये चावल देखिए, ये मेरे कल के बचे हुए चावल हैं। फिर मैंने ये कुछ सब्जियाँ ली हैं, ये मैंने गाजर ली है एक, ये मैंने एक बाउल छोटा कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है, ये मैंने डेढ़ टमाटर लिया है दोस्तों, और ये मेरा एक बड़ा शिमला मिर्च है, और ये एक ही छोटी कटी हुई प्याज है, और ये एक हरी मिर्च है, और एक ही गार्निश के लिए हरा धनिया लिया है, और ये मसाले हैं दोस्तों। मसाले देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, ये हरी, ये मैंने लाल मिर्च ली है दोस्तों, ये थोड़ा सा अजीनोमोटो है ये मेरा, ये देखिए, और ये मैंने सोया सॉस लिया है, और ये थोड़ा सा सिरका लिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना इसको। देखिए पहले से मैंने गैस पे कढ़ाई रखी हुई है, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो आप इसको घी में पका सकते हैं, वैसे इसको रिफाइंड ऑयल में अच्छा टेस्ट आता है। तो हम सबसे पहले इसमें हम प्याज डालते हैं दोस्तों। अब मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ। गाजर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने गाजर को पहले डाला है। देखिए दोस्तों हमारा गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। अब 10 सेकंड इसको पकाते हैं हम, फिर इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। देखिए दोस्तों हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। ये कटा हुआ हरी मिर्च। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से पका लेते हैं सॉफ्ट होने तक। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, मैंने सारी सब्जी एक साथ ऐड कर दी थी। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और हम मसाले डालेंगे दोस्तों। ये मैंने लगभग 1.5 चम्मच सिरका लिया है, ये 1 चम्मच सोया सॉस, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है दोस्तों। आप तीखा भी अपने अनुसार कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं कम या ज़्यादा। ये मैंने 1/2 चम्मच से भी कम अजीनोमोटो लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों मेरे राइस पक चुके हैं, मैंने सब्जी में अच्छे से मिक्स करके इनको अच्छे से पका लिया है। अब ये खाने के लिए रेडी हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं दोस्तों और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेते। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगली रेसिपी में, बाय बाय।